हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मान विजय, आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो दोस्तों आज अपन कंपेयर करने वाले हैं दो बेहतरीन बाइक को। एक तरफ है अपने पास TVS की अपाचे RTR 164V, एक और तरफ है अपने पास TVS की अपाचे RTR 164V। तो अब आप सोच रहे हो भाई यार एक ही प्रोडक्ट को ले आया मैं, तो कंपेयर क्या करूँगा। तो आपको बता देता हूँ, ये वाला जो है अपना पास लिमिटेड एडिशन है अपाचे 164V का, लेकिन ये वाला जो है अपना स्टैंडर्ड एडिशन देखने को मिलेगा। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है उनको भी मैं कवर करूँगा। तो चालू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले कंपेयर करेंगे दोनों बाइक को फ्रंट प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले अगर अपन इसकी फ्रंट प्रोफाइल में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे अपने को LED ट्रीटमेंट करा हुआ दिख जाएगा इस तरफ। और अगर नीचे की बात करें, ये अपने को लो बीम देखने को मिलेगी, ये हाई बीम देखने को मिलेगी। और लो बीम और हाई बीम दोनों की अगर अपन बात करें तो व्हाइट कलर की बीम प्रोड्यूस करते हैं LED में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अपन बात करें, यहाँ पे आप टर्न इंडिकेटर्स देख सकते हो, इसके टर्न इंडिकेटर जो है वो कंप्लीट बल्ब में देखने को मिलेंगे, उधर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप टायर्स देख लीजिए, टायर्स किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो टायर डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो 1919R17 के देखने को मिलेंगे, मतलब 17 इंच के अलॉय देखने को मिलेंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। ABS अपने को देखने को मिल जाएगा यहां पे, तो ABS की भी कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेकिंग में कभी भी अपाचे 164V पीछे नहीं हटी है। अब आ जाते हैं अपन लिमिटेड एडिशन में, भाई क्या नया मिलता है वो बता दो आप। तो यहां पे आ जाते हैं लिमिटेड एडिशन में। तो लिमिटेड एडिशन में आप देख सकते हो यहां पे अपने को LED ट्रीटमेंट जो वहां पे कर रखा था ऊपर की तरफ, यहां पे अपने को इस तरह का देखने को मिल जाएगा। आप पैनल में एक बार वो देख लीजिए किस तरह का अपने को ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे वापस आ जाइए ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाओ। तो यहाँ पे अपने को LED ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। अब एक आपको मैं ईस्टर एग दिखा रहा हूँ, वो ये है, यहाँ पे आप देखिए जो इसका LED ट्रीटमेंट है उसके ऊपर अपने को अपाचे का लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रखा है इन्होंने, और ये इसकी लुकिंग को एनहांस कर ही देता है। हाई बीम लो बीम दोनों LED में देखने को मिलेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और जो चीज़ इसमें यूनिक देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे इसका जो कलर है वो पूरा मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा, तो कलर भी एकदम यूनिक देखने को मिलेगा। और अपन बात करें नीचे की तरफ, अगर आप अलॉय देखोगे तो इसमें रेड कलर के अलॉय दिखेंगे जो कि इसकी डिस्टिंग्विश लुकिंग ले आते हैं। टायर डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो भैया टायर डायमेंशन में कोई फर्क नहीं आता, 1919R70 के ही आपको टायर डायमेंशन देखने को मिलेंगे, वहां पे कोई चेंजेस नहीं आते। डिस्क में भी अपने को कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, डिस्क साइज भी एकदम सेम देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीजों में जहां वेरिएशन आता है। तो आप यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इस साइड में आप देख लीजिए इसका अपने को ब्रेक देखने को मिलेगा, और ब्रेक में कोई भी लिवर एडजस्टमेंट नहीं देखने को मिलेगा, तो वो इसमें दिक्कत आ जाती है। स्टैंडर्ड एडिशन में कोई लिवर एडजस्टमेंट नहीं दिखता। ऑन द अदर हैंड अपन आ जाते हैं अपने लिमिटेड एडिशन में। तो अगर आप लिमिटेड एडिशन में आओगे तो आप इसका ब्रेक लीवर देख सकते हो, ब्रेक लीवर को आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहां पे 1, 2, 3 तीन एडजस्टमेंट दे रखे ब्रेक लीवर के, तो ब्रेक लीवर को आप एडजस्ट करें और गाड़ी चलाए, गुड टू गो आपको देखने को मिल जाएगी गाड़ी, उधर कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहां पे भी आओगे तो यहां पे भी आपको लीवर एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, यहां पे भी आप 1, 2, 3 है, आप इजी रीसेट करते हो कर सकते हो और फिर से अपनी गाड़ी गुड टू गो बन जाएगी, उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपन बात करें जो कि अपने को नया देखने को मिलता है गाड़ी में, वो ये है कि यहां पे आप इसकी जो स्क्रीन देखोगे, स्क्रीन में आपको नीचे की तरफ स्पोर्ट्स दिख रहा होगा, तो इसमें अपने को तीन मोड देखने को मिलते हैं। तीन मोड अगर आपको चेंज करने हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हो, ये जो मोड बटन है इधर से आप मोड चेंज कर सकते हो। तो कौन कौन से मोड है, यहां पे एक स्पोर्ट्स मोड है, एक अपने को देखने को मिल जाएगा रेन मोड, एक अपने को देखने को मिल जाएगा अर्बन मोड। तो तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मोड देखने को मिलेंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी अपने को देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसमें भी थी, लेकिन जो मोड थे वो अपने को इसमें देखने को मिलेंगे। और चेक स्पीड सेंसर, स्पीडोमीटर अगर हटा होता है तो फिर यहाँ पे अपने को इंडिकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो अपनी गाड़ी में यूनिक है वो ये है कि इसमें हेडलैम्प का स्विच दे रखा है, जो कि आज की तारीख में मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। हेडलैम्प का अगर स्विच होता है तभी जाके आदमी को मज़ा आता है, क्योंकि हेडलैम्प ऑन और ऑफ़ की दिक्कत बहुत आती है, अपन देखते हैं डेली रूटीन में। तो हेडलैम्प का स्विच देना मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड था, और ये करके TVS ने मेरे को तो बेहद खुश करा है। और अपन बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी अपने को एक आई बटन देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला आई बटन जो है, ये वाला अपना मेनली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए होता है, तो ये वाला आई बटन अपने को इस साइड में देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर वगैरह के यहाँ पे है, पास का स्विच यहाँ पे और हेडलैम्प का वहाँ पे। अब पैरेलल में आ जाते हैं अपन अपने 164V में। तो पैरेलल में 164V में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे जो आई बटन था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का, वो यहाँ पे अपने को नहीं देखने को मिलेगा। और अपन अगर बात करें यहाँ पे स्क्रीन, जब आप देखोगे तो स्क्रीन में आपको अच्छे से देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो स्क्रीन है, एक सेकंड पॉज कर दे, तेरा फ़ोन बज रहा है। अब पैरेलल में आ जाते हैं अपन 164V में। तो 164V में जब आप यहाँ पे स्क्रीन देखोगे तब आपको पता चलेगा स्क्रीन में वेरिएशन, एक तो ये आ जाता है, यहाँ पे कोई मोड नहीं देखने को मिलेंगे, और तो और जो
ये जो स्क्रीन है इसकी जो लाइट निकलती है वो आपको अच्छे से देखोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वाइट कलर की प्रोड्यूस नहीं करती है जबकि येलो कलर की ये आपको लाइट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे हल्का सा वेरिएशन आ जाता है, अदरवाइज कोई मोड नहीं देखने को मिलते। इस साइड में भी आप देखोगे तो आई बटन नहीं देखने को मिल रहा, मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई भी फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें हेडलैम्प का स्विच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब राइट साइड में अगर आप आओगे तो राइट साइड में भी आप देख लीजिए यहाँ पे भी अपने को मोड का कोई स्विच देखने को नहीं मिलता, हेडलैम्प का कोई स्विच देखने को नहीं मिलता। तो वो चीज़ें भी आपको केवल लिमिटेड एडिशन में देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड में नहीं देखने को मिलेगी। और अपन बात करें तो वो ग्राफिक्स वगैरह में भी इंप्रूवमेंट होता है गाड़ियों में, तो वो अपन बात करते हैं। एक बार आप सीट देख लीजिए, सिटिंग कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा अलग टाइप ऑफ टच देखने को मिलेगा सीट में। और सीट का टेक्सचर वगैरह आप देख लीजिए किस तरह का देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड अगर अपन लिमिटेड एडिशन में आ जाएंगे तो लिमिटेड एडिशन में आप सीट देख लीजिए किस तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड और ब्लैक का इंसर्ट देखने को मिलेगा सीट में। सीट के ऊपर भी TVS रेसिंग लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी TVS रेसिंग लिख रखा है। तो भाई TVS जो है ब्रांडिंग में कभी भी पीछे नहीं हटता है, वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, तो वो वाली चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और अगर अपन टेल से कंपेयर करें दोनों ही बाइक को तो टेल में से आपको फिर से कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे भी देखोगे तो थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज टेल लाइट में एकदम सेम ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों में, टेल में कोई भी वेरिएशन नहीं आता। तो मेन जो मेजर अपग्रेड करने थे गाड़ियों वो इन्होंने करे, उससे बहुत अच्छा लगता है। तो अब अपन ने ये बात आ जाती है कि अपन ने जब दोनों बाइक को कंपेयर करा तो क्या यार ये वर्थ इट बनी है कि नहीं बनी है। मेरे हिसाब से काफी हद तक ये वर्थ इट बन चुकी है। उससे पहले मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं, उससे पहले आपको दोनों का एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूं। यार इसका एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको स्पोर्ट्स मोड में सुनाऊंगा, इसमें जो है अपना कोई मोड नहीं है, तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे ये अर्बन मोड में देखने को मिलेगा। तो एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूं। अब दोस्तों बात करेंगे अपन बाइक के एग्जॉस्ट साउंड की, तो अभी इसका स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूं मैं, तो यहां पे स्पोर्ट्स मोड में डली हुई है। अब एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूं आपको। तो अभी आपने सुना अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन का, लिमिटेड एडिशन का। अब अपन सुन लेते हैं एक बार अपने स्टैंडर्ड एडिशन का एग्जॉस्ट साउंड। जब आपने एग्जॉस्ट साउंड सुना तो आपको पता चला होगा कि इंजन रिफाइनमेंट में भी हल्का सा वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मैन्यूट सा वेरिएशन आता है, लेकिन इंजन रिफाइनमेंट में काफ़ी वेरिएशन आएगा जब आप इसको डेली रूटीन में चलाओगे। इनफैक्ट जब मैं इसको चला रहा था इसकी गियर शिफ्टिंग भी मेरे को ज़्यादा स्मूथ लगी इसके कंपेयर में। अगर टायर डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे अपने को 130/70R17 का टायर डायमेंशन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, टायर डायमेंशन जो है दोनों में सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रेड अलॉय देखने को मिलते हैं, उसके अलावा रियर में भी कोई वेरिएशन नहीं आता। एक जो वेरिएशन और आता है जो कि अपन बैजिंग का वेरिएशन कहेंगे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक स्पेशल एडिशन लिख रखा है, और इसमें लिख रखा है, आप देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे लिख रखा है 4 मिलियन एडिशन। तो फिर वो एक अलग सी बैजिंग देखने को मिलेगी। TVS बताना चाहती है कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम करा, और ऐसे ही इंडिया में अगर वो अच्छा काम करते रहेगी तो अपने इंडिया में अच्छे टाइम तक टिक पाएगी। अब समय आ चुका है आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देने का। अब दोस्तों समय आ चुका है आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देने का कि दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। अगर अपन दोनों की प्राइस वेरिएशन की बात करें तो आपको टोटल 5,000 से 7,000 एक्स शोरूम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा एक्स शोरूम में वो आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इतना वेरिएशन अपने को देखने को मिलता है। इंजन रिफाइनमेंट की बात करें, हल्का सा इंजन रिफाइन देखने को मिलता है। आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुनाया था, इसको ड्राइव करोगे तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी फील आएगी, क्योंकि इसमें आप लीवर एडजस्ट कर सकते हो। इसके अगर अपन बात करें जो स्पीडोमीटर अपने को देखने को मिलती है, वो पूरी स्क्रीन व्हाइट कलर की बीम प्रोड्यूस करती है, उसमें येलो कलर की करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन डेली रूटीन में आप चलाओगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी। एक और चीज़ का वेरिएशन जो आता है दोनों में, वो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा वेरिएशन है, वो ये है कि इसमें आपको गियर इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। न्यूट्रल है, फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर है, थर्ड गियर है, वो सब देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे कोई गियर इंडिकेशन नहीं देखने को मिलते। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरी यही रहेगी, जो इसमें प्राइस प्रीमियम है इनका, वो वर्थ इट प्राइस प्रीमियम देखने को मिलेगा। एक तो आपको मैट कलर देखने को मिल रहा है और एड ऑन फीचर देखने को मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट प्राइस प्रीमियम है। और अगर आप उससे इसमें अपग्रेड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना यार। फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको TVS की कोई भी बाइक परचेज़ करनी है उदयपुर से, तो सेक्टर 14 में शोरूम है राम जी TVS के नाम से, वहाँ पे जाके आप बाइक परचेज़ कर सकते हो। कोई भी Q&A सेशन वगैरह होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे मैं पर्सनली आके आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।